हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ नया बनाते हैं। ये मेरे पास फॉर्म है। इस फॉर्म की 3 लेयर थी तो मैंने एक एक इस तरह से धीरे धीरे एक एक लेयर को अलग कर दिया है, 3 लेयर को अलग कर दिए है। इस तरह से अलग करने के बाद में यहाँ पर मैं लंबाई रखूँगी 5 इंच। 5 इंच की लंबाई रखेंगे और कट कर देंगे इस तरह से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अब इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और फिर इसको फोल्ड करके इस तरह से कट लगा देंगे। फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सारे पीसेस इसी तरह से कट कर देंगे। फिर मैंने कार्डबोर्ड लिया और उससे मैंने इस तरह से सर्कल कट कर दिया है। इसके साइज़ छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। और फिर साइड में इस तरह से फेविकॉल लगाएंगे और एक दूसरे के पास में इस तरह से रखेंगे और चिपका देंगे। पहले राउंड में सभी एक दूसरे के पास में रख करके राउंड करेंगे और दूसरे राउंड में हम एक दूसरे के पास में नहीं रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस तरह से एक राउंड पूरा करने के बाद में अब दूसरा राउंड करेंगे। यहाँ पर बीच में इस तरह से जगह छोड़ेंगे जगह नहीं छोड़ेंगे तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से जगह छोड़ेंगे और फिर जो बीच में जगह है इस पर इसके बाद में चिपका देंगे। अब लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से पूरे में लगाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर बीच में जगह थोड़ी होती है तो यहाँ पर जो हमने कट किए हैं उसको दोबारा कट करेंगे, नीचे की साइड में थोड़ा पतला करेंगे और फिर यहाँ पर हम चिपका देंगे और पूरा बीचों बीच में एक इस तरह से फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर आकार बना देंगे और फिर इस तरह से इसके बीचों बीच में लगा देंगे। इसको लगाने के बाद में हम इसको उल्टा घुमा देंगे। उल्टा घुमाने के बाद में यहाँ पर मैं लगाऊँगी टैब जो दोनों साइड से चिपकती है। इसको इस तरह से लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से हटाएंगे और हम लगा देंगे दीवार के ऊपर। इसको बेडरूम में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। दीवार के बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस तरह से अलग अलग डेकोरेशन आइटम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब